ऑलराइट गाइस, माइनक्राफ्ट 1.21 के न्यू अपडेट्स के बारे में माइनक्राफ्ट ने रिसेंटली एक माइनक्राफ्ट मंथली का वीडियो अपलोड किया था, जहां पर हमें माइनक्राफ्ट 1.21 के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बताया गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरी जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर तुम लोग इस चैनल के अंदर न्यू हो तो प्लीज जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो माइनक्राफ्ट मंथली के वीडियो के अंदर माइनक्राफ्ट ने मेनली दो अपडेट्स के बारे में बोला है। पहले तो आर्माडिलो का जो टेक्सचर था उसे अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि वो पहले से और भी ज्यादा अमेजिंग दिखने वाला है। एंड दूसरा जो चीज है वो है माइनक्राफ्ट का जो 1.21 का जो न्यू स्ट्रक्चर है ट्रायल चेंबर, उसके अंदर एक न्यू टाइप का ब्लॉक ऐड होने वाला है जो कि है वॉल्ट। तो सबसे पहले चलते हैं वॉल्ट की तरफ। तो माइनक्राफ्ट के अंदर वॉल्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड ये बेसिकली चेस्ट का काम करेगा, जस्ट लाइक अदर स्ट्रक्चर्स में जैसा चेस्ट में आइटम्स मिलता है, सेम ट्रायल चेंबर के लिए भी कुछ आइटम्स तुम्हें मिलेगा, बट इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टाइम तुम्हारे वहाँ पर चेस्ट की जगह रहेगा वॉल्ट एंड इसको यूज करने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है। एंड इसको यूज करने के लिए बेसिकली तुम्हें की टाइप का चीज चाहिए जिससे कि तुम इस वॉल्ट को ओपन कर सकते हो एंड देन इस वॉल्ट के अंदर से ऑटोमेटिकली आइटम्स बाहर आकर तुम्हें मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास कोई की नहीं है तो तुम कैसे भी करके इस वॉल्ट को नहीं खोल पाओगे। एंड की लेने के लिए तुम्हें उस सब मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा जो कि स्ट्रायल चेंबर की स्पॉनर से स्पॉन हुआ है एंड देन वो स्पॉनर से तुम्हें ऑटोमेटिकली वो की मिल जाएगा। एंड स्पेसिफिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर चेस्ट की जगह पर वॉल्ट होने का एक कारण माइनक्राफ्ट ने बताया है, जो कि है अगर तुम लोग किसी सर्वर के अंदर खेलते हो तो तब चेस्ट अगर लूटेड होता है तो तब तुम उस चेस्ट से कुछ नहीं मिलता, बट इस वॉल्ट को सिर्फ एक बंदा एक बार यूज कर सकता है एंड बहुत सारे लोग एक ही वॉल्ट को यूज कर सकते हो, बट एक लोग एक वॉल्ट को दो बार यूज नहीं कर सकता। एंड आई लाइक द वॉल्ट वेरी मच, क्योंकि ये टोटल स्क्रिप्ट के बाहर था। एक अमेजिंग सा चीज माइनक्राफ्ट ऐड किया है इस अपडेट के अंदर एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एक और चीज माइनक्राफ्ट ऐड करे 1.21 के अंदर, जो कि है इस स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक टाइप का एक और न्यू आर्मर ट्री। अगर वो माइनक्राफ्ट ऐड कर देगा वो तो और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। एंड नाउ ये तो हो गया द वॉल्ट के बारे में, अब बढ़ते हैं आगे आर्माडिलो के बारे में। ऑलराइट, तो आर्माडिलो के बारे में मैंने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर तुम लोग चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। बट अब बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। तो इस मंथली के वीडियो के अंदर माइनक्राफ्ट ने हमें बताया है कि आर्माडिलो का जो पिछले वाला टेक्सचर था उसे और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है एंड वो पिछले से भी और ज्यादा सुंदर दिखने वाला है। एंड एज यू कैन सी, आर्माडिलो का टेक्सचर पिछले से भी और कितना ज्यादा अपग्रेड और कितना ज्यादा सुंदर कर दिया गया है। ये सच में पिछले से तो और भी ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है एंड इसका डिटेलिंग में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, मतलब एक एक पिक्सल में न्यू डिटेल्स ऐड किया गया है। एंड तुम लोग इस दोनों का टेक्सचर को साइड टू साइड कंपेयर भी कर सकते हो, ये न्यू टेक्सचर कितना ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज का मेरा वीडियो, होप करता हूं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूं तुम लोगों से मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो के अंदर, शायद वो सर्वाइवल का हो सकता है। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।